खबर मंदसौर जिले के गरोट से। गरोट तहसील अंतर्गत ग्राम खजूरी दोड़ा में संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासी व नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में बड़े ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। मनुष्य के जीवन में कभी कभी गलती से किया गया कार्य के रूप में मिलने वाली सजा वरदान का कार्य करती है। राजा परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव में आकर एक ऋषि का अपमान किया। राजा ने गले में मरा हुआ सांप डाला। ऋषि के पुत्र को क्रोध आया और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। यही सर्प आज से सातवें दिन तक्षक का रूप ले करके तेरा काल होगा। राजा परीक्षित ने जैसे ही अपने सोने का मुकुट उतारा, राजा को आपने किए हुए कार्य के ऊपर पछतावा हुआ और राजा ने अपना सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे सुखताल में जाकर के वास किया, जहां वेदव्यास के पुत्र सुखदेव महाराज का पदार्पण हुआ। सतगुरु का दर्शन पाकर राजा धन्य हो गया और सतगुरु के वचनों को सुनकर 7 दिनों में मोक्ष को प्राप्त किया। ऋषि ने जो श्राप दिया था वह श्राप वरदान साबित होकर राजा को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हुए राजा को आवागमन के मृत्यु लोक के चक्र से ही मुक्त कर दिया। उक्त उद्गार गरुड़ तहसील के ग्राम खजूरी दोड़ा में चल रही संगीतमय श्रीमद भागवत कथा में पंडित विक्रम पुरोहित सुदामा शामगढ़ के द्वारा कहे गए एवं आज कथा में विशेष रूप से राजस्थान के संत महात्मा बालक दास महाराज एवं उनके साथ ही भगवान दास महाराज तथा आगर जिले के देवादास महाराज का आशीर्वचन भी मिला। गरोट संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट।